फटाफट समझ लेते हैं कि इंग्लिश की वर्कशीट में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि आपका जो पार्ट टू है लेसन सुनामी जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि सपोज यू आर एट ए बीच, अगर मान लेते हैं आप बीच पर हो, क्या हो, कहाँ हो, बीच पर हो। सडनली यू हियर ए सुनामी वियरिंग ऑन द रेडियो, तभी आपने सुना कि रेडियो पर कि सुनामी आने वाली है। वॉट विल यू डू, आप क्या करोगे। पुट ए टिक मार्क राइट अगेंस्ट द सेंटेंस यू थिंक विल हेल्प यू एस्केप सुनामी। एस्केप का मतलब होता है उसे बचना, ठीक है। ये कह रहा है कि इन सारे पॉइंट में आपको टिक करना है जो जिससे आप सुनामी से बच पाओ, ठीक है, और उस पर क्रॉस मार देना जो आपको नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला हमसे पूछा गया रन अवे फ्रॉम द बीच। अब आप अपनी कॉपी पे कैसे करोगे, आपको ये पूरा पार्ट टू लिखना है, ये पूरा क्वेश्चन उतारना है, ठीक है। अभी इसने बोला है रन अवे फ्रॉम बीच, मतलब बीच से आप दूर की तरफ भागोगे, तो आप बिल्कुल सही करेक्ट कर दोगे। स्टे ऑन बीच टू वॉच द वेव्स, क्या आप बीच पर खड़े रहोगे जो वेव्स मतलब जो लहरें आ रही हैं, ये जो लहरें आ रही हैं इनको देखने के लिए खड़े हो जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करोगे आप। क्लाइम टू रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, आप उस छत पर चढ़ जाओगे जो बहुत लंबी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो अगर जितने ऊंचाई पर हम चढ़ेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे, तो इसका मतलब ये करेंगे करेक्ट। वार्न अदर पीपल, दूसरे लोगों को बोलेंगे अरे भागो सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है, आप ऐसा करोगे नहीं करोगे। यस करेंगे, ठीक है। रिलैक्स आफ्टर द ट्रीमर आर ओवर, उसके बाद ही रिलैक्स करोगे जब ट्रीमर मतलब ये जो पूरा जो सुनामी का जो चीज़ है जब चली जाएगी तो रिलैक्स करोगे, हाँ तभी रिलैक्स करेंगे। टेक अ बोट एंड गो टूवर्ड्स द सी, तो आप क्या करोगे एक नाव, एक आप बोट पकड़ोगे, आप एक बोट लोगे, ठीक है, और फटाफट जाओगे ओए सुनामी आ रही चलो और सी में चलते हैं, ऐसा करोगे आप, नहीं करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझ में आ गए आपको सारे आंसर, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप समझ गए किस किस पर आपको करेक्ट मानना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द लेसन, ये जो है लेसन से जो लाइन लिखी है पढ़िए, गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन ए कॉलम ए, तो ये जो कॉलम ए है इसमें जो वर्ड दे रखे हैं इनके जो आपको मतलब पढ़ने हैं, एंड विद देयर मीनिंग इन द कॉलम बी, और यहाँ पे कॉलम बी में इनके मीनिंग दे रखे हैं, आप इनको पढ़िए। ये कह रहे हिंट के लिए आपको जो है ना कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखे हैं। टिली रिएक्शन व्हेन शी सॉ द वार्निंग साइन इन द सी, टिल्ली का रिएक्शन आपको देखना है जब वो देखती है ना कि किस तरीके से जो है आ रही है सुनामी आ रही है, तो उसका रिएक्शन कैसे होता है। आप पहले इस पैरा को पढ़ेंगे तो आपको ये मैचिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पे इसको भी पूरा ही नोट करना बच्चों, ठीक है, पूरा नोट करना, उसके बाद ये भी नोट करना, ठीक है, बाद में रिविज़न करने में हेल्पफुल होगा। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, देखो टिल्ली ने क्या करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसकी फैमिली जो बीच से जो गेट ऑफ हो जाए, वहाँ से चली जाए। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने फटाफट बताया कि ये समुद्र के अंदर आने वाला अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल, और वो क्या हो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी एक्साइटेड तरीके से, जंगली जैसे चिल्लाते हैं ना वैसे चिल्लाने लग गई। सैड हर मदर पैनी, उसने अपनी माँ को बोला आई डिडंट नो वॉट अ सुनामी वाज, मैं नहीं जानती थी सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन मैंने अपनी बेटी को बहुत डरा हुआ देखा, स्केयर देखा, क्या देखा है, स्केयर देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ जो है बहुत सीरियस चीज़ होने जा रही है, गोइंग ऑन मतलब होने जा रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके आंसर क्या होने वाले हैं, तो फ्राइटेंड का बच्चों क्या होगा, स्केयर्ड हो जाना, ठीक है। स्क्रीम मतलब क्या होता है, चिल्लाना, और हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है, शाउट इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे। तो आप ये आंसर नोट कर लेना, ठीक है, इस तरीके से आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो वो लेटर राइटिंग है, तो लेटर राइटिंग बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम लेटर पढ़ लेते हैं कि लेटर में क्या बोला गया है, ठीक है। तो बोला गया अ वीडियो दैट टिली वॉर इन हर ज्योग्राफी क्लास हेल्प हर सेव मैनी लाइफ, देखो उसकी टीचर ने ना उसको एक वीडियो दिखाई थी ज्योग्राफी की जो टीचर है, जिसकी वजह से उसका लाइफ बच गई और बहुत से लोगों की लाइफ बच गई। एक बात और बताता हूँ बच्चों, जब लेटर आता है ना दो तीन जो हिंट है ना हमें लेटर के क्वेश्चन से ही मिल जाती है, ठीक है। तो अभी देखना कितने हेल्पफुल रहेगी ये लाइन, इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो बच्चों। शी रोट अ लेटर टू थैंक हर ज्योग्राफी टीचर, देखो वो अपने टीचर को थैंक यू कर रही है। देखो टीचर ही वो होता है जो एक बच्चे की लाइफ को चेंज करने में बड़ी भूमिका निभाता है। जो बच्चे रेगुलरली पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, हर क्लास को अटेंड करते हैं, वो जीवन में जरूर सक्सेसफुल होते हैं। आज इस टिल्ली को अपने टीचर का ही बेनिफिट मिल गया कि जिसकी वजह से उसकी लाइफ में काफ़ी चेंज आ गया, उसकी लाइफ बच गई और औरों की भी लाइफ उसने बचा दी।
अब वो अपने टीचर को थैंक यू कर रही है। तो आओ अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या उसने लेटर लिखा है। देखिए एक्स वाई जेड स्ट्रीट जो भी आपका एड्रेस है वो आपको लिख देना है, फुकेट थाईलैंड, ठीक है। ये आपका खुद का एड्रेस होता है बच्चों, लेटर का पैटर्न भी आपको आना चाहिए, 28 दिसंबर 2004, ठीक है। डियर आपका यहाँ पे क्या आएगा, टीचर का नाम आ जाएगा, डियर टीचर लिख देना। देखो बच्चों ये ना हमें हिंट दे रखी है, नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमें हिंट दे रखी है, तो आपको इन्हीं हिंट में से ही भरना है। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि आपका आंसर क्या आएगा। यहाँ तो आप टीचर ही लिखेंगे, डियर टीचर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, मैं ये पत्र लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ आप बताइए, क्यों लिख रही हूँ पत्र। मैंने अभी आपको बताया कि थैंक यू के लिए लिख रही है, तो इसका मतलब बहुत से बच्चों ने तो आंसर बता दिया होगा कि सर थैंक यू आएगा, बिल्कुल सही, पहले वाले में थैंक यू आएगा, ठीक है। अब योर वैल्यूएबल लेसन, क्योंकि उन्होंने जो लेसन पढ़ाया था हेल्प मी, देखो ये भी क्वेश्चन में हिंट दे रखी थी, हेल्प मी किस चीज़ की हेल्प करी, सेव मैनी लाइफ। आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सेव मैनी लाइफ, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना। और किस लिए लेटर लिख रही थी वो, थैंक यू कहने के लिए, किस लिए लिख रही थी, थैंक यू। तो दो तो हमें क्वेश्चन से पता लग गए, तो जो बच्चे क्वेश्चन से पढ़ते हैं उनको लेटर अगर फिलअप वाले आते हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। अब फटाफट हम आगे कर लेते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो आपको ये तो क्लियर हो गया, पहले वाले में आपको क्या भरना है, पहले वाले में आप प्यारे बच्चों क्या भरोगे, थैंक यू भरोगे, ठीक है। दूसरे वाले में आप क्या भरोगे, सेव भरोगे, ठीक है। आगे समझ लेते हैं, आई हैव कम टू डैश, इसने बोला आई हैव कम टू डैश, बताओ क्या भरेंगे, पहले आप सोचो कहाँ आई थी, थाईलैंड में आई थी ना, तो थाईलैंड भर दोगे। विद माई डैश किसके साथ आई थी, ठीक है, देखिए क्या किसके साथ आई थी, तो फैमिली के साथ आई थी, किसके साथ आई थी बच्चों, फैमिली के साथ, तो यहाँ फैमिली भर देंगे। क्रिसमस पर आई थी, ठीक है, क्रिसमस का त्यौहार तो सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, है ना। उसके बाद व्हेन द सुनामी स्ट्रक, जब सुनामी आई उसने स्ट्रक किया, माय फैमिली वर एट द डैश, बताओ कहाँ पर थी उसकी फैमिली, बीच पर थी, कहाँ पर थी बच्चों, बीच पर थी उसकी फैमिली, कहाँ थी, बीच पर, तो आप यहाँ बीच भर दोगे, ठीक है, ये वाला आंसर आप भर दोगे। उसके बाद क्या एट द बीच, उसके आई नोटिस द वार्निंग साइन इन द सी, मैंने क्या देखा, वार्निंग साइन सी पर देखा, क्योंकि उसके टीचर ने उसे पढ़ा रखा था कि सुनामी किस प्रकार आती है। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग, मैं चिल्लाने लग गई, टोल्ड एवरीवन टू, क्या टू किस लिए, क्या बोलने लग गई, भागो भागो, रन अवे, क्या आएगा बच्चों, रन अवे आएगा, ठीक है, यहाँ रन आ जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, रन आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द बीच, बीच से भागो, वी रश टू द, हम भागे, कहाँ भागे बच्चों, हम कहाँ भागे, थर्ड फ्लोर में भागे, क्योंकि उसे पता था कि ऊंचाई वाली जगह पर चले जाओगे तो सुनामी जो है इतनी ऊंची भी नहीं उठ पाएगी, ठीक है, तो वो बच जाएंगे, तो थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड, और बच गए। आई एम राइटिंग टू मीट यू एंड थैंक यू इन पर्सन, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको पत्र लिख रही हूँ, थैंक यू कह रही है वो, इस तरीके से यू आर सिंसियरली, ठीक है, टिल्ली स्मिथ, इस तरीके से लास्ट में आपको अपना नाम लिखना होता है, ठीक है, आपको एडिटिव तो आने, क्योंकि टिल्ली ने लेटर लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मैं इस तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयर फॉर यू, थैंक यू वंस अगेन।